सेगमेंट है ये या वो रैपिड फायर में, आइदर और एक आपको बड़े कठिन कठिन सवाल है, मैं फंस जा रहा हूँ रैपिड फायर में, फटाफट होना चाहिए, मैं वक्त नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं, आप वक्त लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पसंदीदा किरदार पंडित फ्रॉम फुकरे या आत्मा सिंह फ्रॉम न्यूटन? आत्मा सिंह फ्रॉम न्यूटन। ओके, कौन ज्यादा खतरनाक है, गणेश गायतोंडे या फैजल खान? मैंने गणेश गायतोंडे देखा नहीं है, सिर्फ एक एपिसोड देख पाया हूँ अभी तक सेक्रेट गेम्स का। हाँ, मेरे पास वक्त नहीं था, हालांकि अब देखूंगा, तो अभी तक उसके मुताबिक मुझे लगता है वो फैजल खान ही था जो मैंने देखी है। ओके, आपके हिसाब से कौन बेहतर एक्टर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजकुमार राव? देखिए, आर्ट फॉर्म को ना आप बेहतर और कमतर में नहीं तोल सकते, दो पेंटिंग है, कौन बेहतर पेंटिंग है, हर आर्टिस्ट का अपना अप्रोच होता है, अपना इम्प्रेशन होता है, अपना एक तरीका होता है, दोनों बेहतर हैं, तो उसमें बेहतर और ख़राब हम नहीं बोल सकते। हाँ, अनुभव के आधार पर अगर बात करें, एक्सपीरियंस की बात हो सकती है, तो एक्सपीरियंस वाइज नवाजदा ज़्यादा वक्त से हैं, राजकुमार आई थिंक 7-8 साल हुए, 2006-4-5-7-8 में आए LSD से, नवाजदा 96 से मैं उनको देख रहा हूँ, जब ड्रामा स्कूल में आते थे, कथा एक कंस की उनका एक प्ले था, और हम तब से हम जानते हैं, मिलते हैं, क्राफ्ट पे बातें होती हैं, तो अनुभव के आधार पे नवाजदा के पास एक लंबा अनुभव है, काम का भी, स्ट्रगल का भी, जिंदगी का भी तजुर्बा, राज बहुत अच्छे अभिनेता हैं, कोई दो राय नहीं है, दोनों ब्रिलियंट है, इक्वली ब्रिलियंट है, वही बात है कि आप दो पेंटर को, दो पेंटिंग को नहीं तोल सकते। बस ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि तजुर्बा सिंस नवाज का ज्यादा है, तजुर्बा तो के अनुभव के आधार पे, यस। बाकी आर्ट तो कोई वो पैरामीटर है नहीं वो कि आप 1 किलो और 0.5 किलो में तोल पाए, तो आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट मुकम्मल होता है। जो आपने कहा कि अब मैं काफी व्यवस्थित हूँ, तो ये आप डिप्लोमेसी में भी काफी व्यवस्थित हैं, which is absolutely fine. Yes, yes, of course, of course. हाँ, मतलब मैं संजय जी ने तो डेफिनेटली अब तक आंसर दे चुके होते, वो वो फंसते नहीं उसके अंदर। ऑलराइट, फिल्म या वेब सीरीज? बोथ, बोथ। ओके, जलेबी या गुलाब जामुन? ये तो आसान है, जलेबी, जलेबी। ओके, अमित मसूरकर या अमर कौशिक? दोनों मुझे पसंद है यार, ये कैसे चुने हैं, दोनों एक्टर अच्छे हैं। ओके, आपका फेवरेट एक्टर शाहरुख खान या सलमान खान? शाहरुख खान। ओके, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या ये सही हैं या गलत हैं, जब पंकज त्रिपाठी सेट पर होते हैं तो वो कभी गालियां नहीं देते? गलत। पब्लिक में नहीं देता हूं मैं, सेट पे, इन द सेंस कि कैमरा और क्रू में नहीं देता हूं, वैनिटी में जो भी को एक्टर आता है, अपार शक्ति तो आता ही था, स्त्री में राज अपना बैनर्जी अपार शक्ति की, अरे सर एक दो सुना दो, अच्छा रूम में आते थे एक दो गालियां सुना दो, सुना दो, स्वीट लगता है, आप ही सुना दिया, हमारा तो डिजिटल सेंसर की बात नहीं है ना, तो मैं बात बात मैं भोसड़ी का बहुत बोलते रहते हैं, आता था अपार शक्ति, अरे सर एक बार सुना दो ना, बोले मैं उसी को बोल देता था, तो एक तो कोइंसिडेंट हुआ था, मैं किसी और को बोल रहा था, इतने में मेकअप मैन आ गया, तो उसने कोई सवाल किया, मैंने सुना नहीं, तो उसको मुझे लगा रही, हमें लगा कि आप इनको बोले, बोले नहीं नहीं भाई तो मैं नहीं बोल रहा है, तो मैं, बट वही है कि मेरी गालियां गालियां नहीं लगती, उनमें भी प्यार होता है। ओके, पंकज त्रिपाठी जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी फिल्म 100 करोड़ कमाएगी? हाँ, नहीं सोचा था, ट्रू। ओके, ऐसा बहुत बार हुआ है कि पंकज त्रिपाठी को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म साइन कर ली क्योंकि उन्हें पैसे अच्छे मिल रहे थे? ट्रू, 100% ट्रू। पंकज त्रिपाठी जी को अगर इंटीमेट सीन करने के लिए बोला जाए तो वो बहुत शर्माएंगे? यस, ट्रू, 100% ट्रू।